हे गाइस, वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो आज हम एलिफ स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है और नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। और आज हम एक स्टेटमेंट देखेंगे इफ़ एलिफ एल्स। तो इफ़ एलिफ एल्स हम कब यूज़ करते हैं? इफ़ एलिफ एल्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होती हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, देखिए, फॉर एग्जांपल आपको टिकट सेल करनी है और अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग टिकट की प्राइसिंग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 0 से 3 साल के बच्चे हैं, यहाँ पे एक कर लो, 1 से 3 साल के बच्चे हैं उनके लिए टिकट है फ्री, ठीक है, वो फ्री का शो देख सकते हैं। और जो 4 से 10 साल के बच्चे हैं वो देख सकते हैं 150 रुपये में, और 11 से 60 साल के बच्चे देख सकते हैं 250 रुपये में, और अबव 60 देख सकते हैं 200 रुपये में, ठीक है। तो ये कुछ प्राइसिंग है और यहाँ पे आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट स्टेटमेंट है इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। तो देखते हैं इफ़ एलिफ एल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यूज़र से उसकी एज इनपुट कराएंगे। ओके, उसके बाद हम एज को इंट में चेंज करेंगे। ओके, अब बात करते हैं हम कैसे यूज करेंगे इफ एलिफ एल्स को। तो काफी सिंपल है, आपको सबसे पहले इफ स्टेटमेंट लिखनी है, इफ इफ अगर एज 0 से ज्यादा हुई, ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, तो उसके लिए कितनी प्राइस है, तो उसके लिए फ्री है, ठीक है। उसके बाद आपको एलिफ लिखना है, अगर ऐसा ना हुआ तो हम ऐसा चेक करेंगे। इसका मतलब है ये, इफ एज इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10, ओके, तो हम यहाँ पे क्या चेक, यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे एलिफ अगर एज ग्रेटर देन हुई 10, ठीक है, मतलब कि इसमें 11 साल से ऊपर के आएंगे और 60 साल के नीचे तक, ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन इक्वल टू 60 और अबव 60, मतलब कि अगर यूजर इतने साल का भी नहीं है, इतने साल का नहीं है, इतने साल का नहीं है, और तो जाहिर सी बात है यूजर कितने साल का होगा, अबव 60, ठीक है, तो हम एल्स कर देंगे प्रिंट टिकट प्राइस कितनी है 200। तो इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। प्लीज इनपुट योर एज, फॉर एग्जाम्पल मैं इनपुट करता हूँ 2, ठीक है, तो ये फ्री है, और फॉर एग्जाम्पल मैं इनपुट करता हूँ 10, ठीक है, तो 150 है। जैसे मैं इनपुट करूँगा 11, तो ये 250 हो जाएगी, ठीक है, और अगर मैं इनपुट करूं 61 तो ये 200, ठीक है। और एक और बात, अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ इनपुट कर दूं 0, ठीक है, बिल्कुल 0, ठीक है, तो भी टिकट प्राइस 200 आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने 0 के लिए ऊपर कंडीशन तो लगाई नहीं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे एल्स कंडीशन में आके यहाँ पे 200 टिकट प्राइस शो हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 0 के लिए कंडीशन भी लगा सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे अपनी एज नेगेटिव में इनपुट करूँ, फॉर एग्जांपल नेगेटिव 90, ऐसा कोई करेगा नहीं, बट किसी ने कर दिया तो क्या, तो भी टिकट प्राइस 200 आ रही है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, फॉर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऊपर जाके यहाँ पे इफ़ कंडीशन में लगा के इफ़ एज इज इक्वल टू 0 देन आप यूज़र को मैसेज दे सकते हैं, प्रिंट
एक और बात, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे दो इफ स्टेटमेंट हो चुके हैं अब, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, देखिए ये कंप्लीट एक सीक्वेंस बन रही है इफ एलिफ एल्स की, ठीक है। ये देखिए ये कंप्लीट एक सीक्वेंस बन रही है, और ये अलग से स्टेटमेंट काउंट होगी। मतलब कि अगर उसने एज कर दी जीरो, जीरो इनपुट कर दिया एज, तो ये चेक होगा, अच्छा ये कोड नहीं रन होगा ना, फिर ये कंप्लीट सीक्वेंस चलेगी। तो यहाँ पे ये एल्स में जाके फिर भी 200 प्रिंट करवाएगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे करूँ जीरो, ठीक है, यू कैन नॉट वॉच भी प्रिंट हो रहा है और टिकट प्राइस जीरो भी प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ दो इफ स्टेटमेंट लिख दी। तो इसको कंप्लीट स्टेटमेंट बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे एलिफ लिखना होगा, ठीक है। तो अब सही है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं इनपुट करूँ, ये देखिए, प्लीज़ इनपुट योर एज जीरो, यू कैन नॉट वॉच, ठीक है। और यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं, जो नेगेटिव एज वाले हैं उनके साथ भी, मतलब कि अगर इनमें से या तो यूज़र की एज जीरो या नेगेटिव हो, ठीक है, तो कोई भी केस हो तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, यू कैन नॉट वॉच। इनपुट योर एज -90, तो यू कैन नॉट वॉच। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कैसे इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट काम करती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।